इस समय यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में संस्था द्वारा रानीपुर रजमो के बिंद्रा बाजार नाहरपुर और सरोज बस्ती के कुल 84 परिवारों को आज संस्था की तरफ से सब्जी का वितरण किया गया। वहीं संस्था लगातार लॉकडाउन के तीसरे दिन से ही क्षेत्र के 40 से अधिक गांव जनपद स्तर पर अभियान चलाकर लोगों तक जनहित में सहयोग कार्य कर रही है। इन सभी जगहों पर इसके पूर्व सब्जी राशन मास्क का वितरण कर चुकी है। दोबारा आज इन परिवारों को सब्जी राशन वितरित किया गया। संस्था के लोगों ने घर घर जाकर अभियान चलाया। संस्था द्वारा लगातार लॉकडाउन के तीसरे दिन से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मोहम्मदपुर विकास खंड के 30 से अधिक गांव में संस्था द्वारा 1000 से अधिक परिवारों को अब तक राशन मुहैया कराया जा चुका है, जिसमें मुख्य संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, संतोष शर्मा, शैलेंद्र मदनवाल, दिनेश प्रजापति, आलोक रावत, आतिश ठठेरा, शिवम, अंकित, पवन अस्थाना, बंटी शर्मा, लखी श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसी क्रम में संस्था के अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया जाएगा, तब तक संस्था के लोग असहाय गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। यह खाद्यान्न वितरण राजस्व अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। इंडिया पावर न्यूज के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। अंबिका सेवा संस्थान बिंद्रा बाजार आजमगढ़ की तरफ से जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के तीसरे दिन से लगातार अंबिका सेवा संस्थान आजमगढ़ जनपद और मोहम्मदपुर विकास खंड के अंतर्गत लगभग 1000 से अधिक परिवारों को राशन मास्क का वितरण कर चुकी है। इसी क्रम में लगातार ये वितरण चल रहा है। जनपद के अधिकांश थाना तहसील क्षेत्र पर जूस और पानी का वितरण किया गया, जिससे हमारे जो कोरोना योद्धा जो हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं, पिकेट ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी, डायल 100 सभी लोगों को पानी की व्यवस्था कराई गई। इसी क्रम में लगातार यह जो कार्य चल रहा है, आज एक सप्ताह से सभी लोगों को दोबारा सब्जी की व्यवस्था मुहैया संस्था करा रही है, जिसमें अब तक 500 से अधिक परिवारों को सब्जी वितरण किया जा चुका है और पूरे क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक परिवारों को सब्जी वितरण किया जाएगा। और यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन शासन द्वारा चलाया जाए।